प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में आज एक बार फिर सीजन के बंपर आवक के चलते कृषि उपज मंडी किलेश्वर मंदिर रोड पर लंबा जाम लग गया। जब भी सीजन में उपजों की बंपर आवक होती है, इसी तरह सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग जाता है। किसानों ने कहा कि नीमच कृषि उपज मंडी शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के चलते सीजन के समय जिंसों के बंपर आवक के चलते किसानों को मंडी गेट के बाहर घंटों मंडी में प्रवेश करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं राहगीरों ने कहा, ये समस्या तो हर बार सीजन में आती है। जब भी कृषि उपज मंडी में उपजों की बंपर आवक होती है, इसी तरह सड़कों पर जाम लग जाता है। कई बार तो रेलवे स्टेशन मंडी के नजदीक होने के चलते जाम में फंस जाने के कारण रेलगाड़ी छूट जाती है। अब मंडी प्रशासन को चाहिए, जब नई कृषि उपज मंडी बन गई है तो यहाँ की मंडी वहाँ शिफ्ट करे। जब ट्रैफिक जाम को लेकर यातायात विभाग से बात की तो उनका साफ कहना है, जिंसों के बंपर आवक होने के चलते ये समस्या हर बार आती है। जाम लग गया है, व्यवस्था संभाल रहे हैं, जल्द ही ट्रैफिक जाम खुल जाएगा। सीजन का टाइम रहता, रेलवे स्टेशन का ट्रैफिक रहता, मंडी का दो ही तरफ से लाइनें रहती, किसानों का भी माल ज्यादा लेकर आते हैं, लाइनें लग जाती, ट्रेनों छूटने का डर रहता और बहुत सारी दिक्कतें आती मंडी की। अब सही बात तो ये है कि मंडी अब यहाँ छोटी पड़ने लगी, बीचों बीच के कारण होने कारण तो ये वो स्थिति बन रही है। ट्रैफिक आने आने पास में सेंट्रल स्कूल है, मंदिर है, चार भी कैंपस है, इस कारण यहाँ बहुत ये रोड बहुत जाम होने लग गया। आज किस तरह से रोड स्थिति खराब है? बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, एक घंटे से बचे हुए यहाँ पर। दो तीन रोज से मंडी में छुट्टी होने की वजह से ये ट्रैफिक मतलब जो है बढ़ गया है। ये हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी ये आधे घंटे में सब साफ हो जाएगा ट्रैफिक में। हाँ, जब सीजन आता है तो किसान अपनी फसलें लेके आते हैं तो उससे थोड़ा ट्रैफिक तो मतलब जो है जाम होता ही है और लहसुन मंडी एक साइड होने की वजह से थोड़ी परेशानी आती है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, खुल जाएगा थोड़ी देर में। मंडी में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, इधर रेलवे स्टेशन नज़दीक होने से इधर ट्रैफिक जाम हमेशा बना हुआ रहता है। तीन तीन दिन, दो दिन, तीन दिन में लेके आया, तीन दिन पहले माल लेके आया था, उस समय नीलामी नहीं हुई, आज फिर डबल माल लेके आया, कास्तकारों को कितनी परेशानी हो रही। ना तो इधर का रोड चालू, ना इधर का रोड चालू, ना पीछे का रोड भी बंद कर रखा है, तो आदमी जाएगा कि जाएगा किधर से। ये नीमच मंडी बहुत छोटी पड़ रही है, पहले लहसुन मंडी उधर थी, ये उधर से यहाँ आई तो ये बहुत छोटी पड़ रही है। आवक जावक साधन सब सीमित है, उधर बगाना में डबल रोड है ही नहीं, या तो डबल हाईवे किया जाए। नई मंडी अतिशीघ्र चालू होना चाहिए, हर प्रकार की खाने पीने रहने में, रात को जाए कहाँ पे, चोर चेके की हर चीज़ की समस्या रहती। ट्रैफिक तो पूरी तरह से जाम है, आप देख लीजिए चारों तरफ से, आप खुद हिसाब लगा लीजिए, ये पुलिस लगी हुई है, कहाँ आदमी कहाँ जाएगा। ना तो इधर जाने का, उधर जाने का, गाड़ी फिर पैसे होती है। मान लो माल बिक गया तो माल ट्रैक्टर निकालने में परेशानी आ गई, ट्रैक्टर भी जाम है। अब जब तक ट्रैक्टर निकलेगा नहीं, घर जाएंगे जाएंगे कहाँ से, 3 बजे नीलामी होगी, पैसा कब कैसे निकलेगा, ट्रैक्टर कहाँ से जाएगा। नीमच से दीपक हताबिया की ये रिपोर्ट।